विपक्षी के पास कोई कारण ही नहीं है कि वो ये बोल सके कि धनबल धनबल इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं अब बाहुबली का जब जन समाज सेवा में क्या रोल दिनेश प्रसाद सिंह जी जो मेरे पिताजी हैं अगर वो किसी कैंडिडेट पे भारी पड़ते हैं तो अपने कार्यों से पड़ते हैं अपने कर्मों से पड़ते हैं उम्र कुछ भी हो हौसला बुलंद होना चाहिए और मेरे पिताजी का हौसला बुलंद है फिजिकल बीमारी का तो इलाज है लेकिन बोली के बीमारी का कोई इलाज नहीं है नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज मेरा नाम अभिषेक है मुजफ्फरपुर एम सीट पर इस बार जे की तरफ से दिनेश प्रसाद सिंह उम्मीदवार हैं जो लगातार मुजफ्फरपुर से तीन बार जीतते आ रहे हैं वहीं आर की तरफ से शंभू सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है शंभू सिंह बाहुबली हैं वहीं इस वक्त हमारे साथ दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी हैं ये विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अच्छा आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार आरोप लगाया गया है कि धन बल के दम पर वो तीन बार से जीतते आ रहे हैं उनके पास धन और बल दोनों हैं इसलिए वो जीतते हैं मैं इस चीज़ को नहीं मानती बिकॉज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी चाहे कोई भी चुनाव जैसे आपने बोला कि मैंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था विपक्षी के पास कोई कारण ही नहीं है कि वो ये बोल सके कि हमारे मेरे पिताजी जब 20 साल से 19 साल से एमएलसी हैं उन्होंने जो काम क्षेत्र में किया है चाहे जो क्षेत्र में काम मेरी माता जी के तरफ से तरफ से हुआ है उनके पास काम का कटाच करने के लिए कुछ है ही नहीं तो विपक्षी विरोध कैसे करे तो वो एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि धनबल धनबल इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं ये तो बोल नहीं सकते कि सड़क नहीं बनवाते हैं ये बोल नहीं सकते कि जनता से जुड़ के नहीं रह सकते रहते हैं ये बोल नहीं सकते कि जनता के समस्याओं को नहीं सुनते हैं जनता का मान सम्मान नहीं करते क्योंकि ये चीज़ सबका पूरा जिला जानता है कि चाहे वो कार्य हो चाहे सम्मान हो हर चीज में मेरे माता पिताजी ने समाज सेविका के रूप में जनता का काम करने का काम किया का 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 का, उनका सम्मान करने का काम किया का, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहने का काम किया है और क्षेत्र में विकास का काम किया है तो जब विरोधी के पास होगा क्या बोलने के लिए इस बार

तो ये अगर उनको भेजा जा रहा है तो, तो पार्टी समझेगी ना इस पर हम क्या बयान दे सकते हैं कि उनको क्यों भेजा गया आरजेडी की तरफ से अब किसी भी आदमी को भेज दीजिए दिनेश प्रसाद सिंह जी जो मेरे पिताजी हैं अगर वो किसी कैंडिडेट पे भारी पड़ते हैं तो अपने कार्यों से पड़ते हैं अपने कर्मों से पड़ते हैं कोई भी अगर यहाँ पे आएगा उनके विरोध चुनाव लड़ने तो उनके कार्यों को नहीं काट सकता है इसीलिए मेरे पिताजी आज तक उन्नीस साल से सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान और सेवा करते आए हैं पुनः इस बार उनको पूरा जनप्रतिनिधि का उन पर विश्वास है एकसठ सौ वोटर है सिक्सटी वन हंड्रेड वोटर है और वो सिक्सटी वन हंड्रेड वोटर जनप्रतिनिधि है जी तो... एक में मेरे को बोलने दी वो जनप्रतिनिधि हैं, जीते हुए प्रतिनिधि हैं तो आप सोचिए कि वो एक सौ एक सौ वोटर जनप्रतिनिधि को लाखों लोगों ने वोट करके जनप्रतिनिधि चुना है तो मेरे पिताजी के ऊपर उस एक सौ वोटर जो जनप्रतिनिधि है उनका ही कार्यभार उनकी ही देख उनकी ही सम्मान का सवाल नहीं है उनके कंधों पर पूरे जिला की जनता का कारोबार उनके कंधों पर है और उस विश्वास को उन्होंने उन्नीस साल तक खड़ा रखा है तभी तो वो उन्नीस साल तक बरकरार है जीतते आ रहे हैं ब्रीद अच्छा कि हो है। है। हो गए हैं हैं अस्वस्थ उम्र गया तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य का उम्र अगर ज्यादा होता है हमारे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उम्र है तो क्या आप उनको पूरे देश का कारोभार उनके कंधों पर है और लोगों का विश्वास है कि वो उस काम को बरखूबी निभा रहे हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश जी का उम्र हो रखा है लेकिन राज्य के लोगों पे उन पर विश्वास है तो क्या फर्क पड़ता है उम्र क्या है उम्र कुछ भी हो हौसला बुलंद होना चाहिए और मेरे पिताजी का हौसला बुलंद है और एक बार और बोलना चाहूंगी मैंने भी इंटरव्यू देखा है बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि दिनेश प्रसाद सिंह जी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया हारे है हारे हुए हैं और बूढ़े हो गए हैं बीमार है मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जिस इंसान के ऊपर उन्नीस वर्षों से सभी जनप्रतिनिधियों का भरोसा बरकरार रहा है जिस इंसान पे पूरा जिला भरोसा करता है जिनको अपना अपना अपने नेतृत्व नेता के रूप में देखता है वो इंसान कैसे हुआ हो सकता है और रहा बात बीमारी की आज कोरोना महामारी आई ऐसे सौ बीमारी डायबिटीज बीपी, आपको कोई भी ले लीजिए सर दर्द पेट दर्द बुखार ये सब बीमारी होता है हाँ, सौ में से निन्यानवे आदमी आपको किसी न किसी रूप से बीमार दिखेगा इस बीमारी का फिजिकल बीमारी का तो इलाज है लेकिन बोली के बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो ये जनता को तय करना है ये जनप्रतिनिधि को देखना है कि कौन की लोग जो आपके साथ खड़ा है उसकी मानसिकता कैसी है उसकी सोच कैसी है वो आपकी आवाज को बुलंद करने में समर्थ है की नहीं है अच्छा, के कहा जाता। इस बार जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था उसमें कई जनप्रतिनिधि अच्छा, टर्म, टर्म का लड़ाई हो, चुनाव है आप बताइए कि तीनों टर्म में ऐसे कई जगह पे होगा जहां पुराने कंटिन्यू दोबारा पुनः जीते होंगे कहीं जगह पे कोई और जीते होंगे तो तीन साल से तो सब सब साथ ही है तीन साल से तो जीतते आ रहे तो इसमें ऐसा क्या नया हो गया अगर मान लीजिए कि कुछ परसेंटेज लोग दोबारा जीते होंगे कुछ नए चेहरे भी आएंगे तो क्या बदल गया ऐसा थोड़ी है कि तीन तरन से नए चेहरे नहीं आ रहे थे तो ऐसा क्या नया चीज़ हो गया जो इसमें लोगों को संदेह हो सकता है या कोई डाउट हो सकता है और जो जीतते भी है ना और जो नए भी जीते हैं ऐसा नहीं है इस जिला में पहले से रहते होंगे लोगों के बीच पहले से रहते होंगे और मेरे पिताजी के क्रियाकलाप से आ, सहमत होंगे और देखे हुए अपने आंखों से होंगे इसलिए वो सब भी सभी नए लोगों से हमारी मुलाकात हुई है मैंने भी मिलने का काम किया मैं भी मिली हूँ मेरे भी चलते फिरते मुलाकात होती रहती है सभी लोग हमको एक ही चीज़ आश्वासन देते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए हम अपने अपने आवाज़ अपने नेता दिनेश प्रसाद सिंह जी को ही मानते हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह तीन टर्म से वो आवाज उठाते आए हैं विधान परिषद में इस साल भी जब सदन खुले तो दिनेश प्रसाद सिंह जी ही हमारे लिए आवाज उठाए एक चीज इस मुजफ्फरपुर में ज्यादा चर्चा में है एमएलसी चुनाव में कि ए के सैतालीस कोई कहता है कि जनमत की ए के सैताइस रहेगी कोई कहता है कि धनवल की जनमत को ए के सैतालीस का शब्द आप मीडिया वाले हैं आप जाते हैं फील्ड में जनता एके फोर्टी सैतालीस शब्द यूज करती है हमको नहीं लगता है कि आम जनता ये शब्द यूज़ करती है आम जनता तो आम जनता जनप्रतिनिधि भी तो आम जनता के बीच से ही होते हैं ना क्या वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं नहीं तो प्रशासन लोक कानूनी व्यवस्था होती है आम जनता का काम है कि अगर उनको कोई संकट आए तो कानूनी व्यवस्था पे वो जाते हैं कानून से मदद मांगते हैं और उनको जनता को बहुत अच्छे से पता है कि ए के फोर्टी सैंतालीस का जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो इसी बीच में रहते हैं ना जनता यूज नहीं करती है जनप्रतिनिधि यूज नहीं करते हैं कभी किसी जनप्रतिनिधि का इंटरव्यू लेके देखिए उनके वर्ड उनके मुंह से एक से फोर्टी सैतालीस आप नहीं सुनिएगा कौन ये यूज करता है जनता कहां बोलती है तो ये थी हमारे साथ कोमल सिंह दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी हैं इनका साफ साफ कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बार भी जीतेंगे और उनके सामने जो उम्मीदवार है उनके पास तो मुद्दा ही नहीं है सिर्फ एक ही बात कहते हैं हरा देंगे हरा देंगे इससे कुछ होने वाला नहीं है पहले मुद्दा तो खोज ले उसके बाद ही जीत होगी तो बन रहिए है लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फेसबुक पेज को लाइक करिए